हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं मार्कशीट डिजाइन करना, और वो भी पाइथन में। तो कैसे हम मार्कशीट डिजाइन करेंगे, स्पेशली हम ग्रेड निकालना सीखेंगे। एक तरह से देखा जाए तो हम ग्रेड निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो कैसे हम इसको करेंगे, आइए जानते हैं। और ओपन कर लेते हैं पाइथन की आईडीई। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पाइथन। तो यहाँ पे देखिए पाइथन की आईडीई अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें python.org पर जाकर, ठीक है। अब यहां पर हम फाइल चूज कर लेते हैं, न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमें क्या लिखना है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, मैंने बायोलॉजी से पढ़ाई की है, मैं इंटरमीडिएट का एक तरह से मार्कशीट जो है वो डिजाइन कर रहा हूं, और उसके लिए मैं ग्रेड निकाल करके उसके उसमें मैं दिखाऊंगा। तो चलिए ये देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां लिखा मैंने बायोलॉजी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर ऑफ बायोलॉजी, यहां पे लिखता हूं मैं बायोलॉजी, ठीक है। ये लिखा मैंने और इसको क्लोज किया, और यहां से इसको भी क्लोज कर दिया, और इसको ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया। आप एंटर करके नीचे आएंगे, इसी चीज को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करता चलूंगा क्योंकि हर एक में बहुत सारी चीजें कॉमन है, थोड़ी सी चेंजिंग करके हम ये दूसरा सब्जेक्ट, फिर एंटर किया ये तीसरा सब्जेक्ट, फिर एंटर किया ये चौथा सब्जेक्ट, और फिर एंटर किया ये पांचवा सब्जेक्ट। ये पांचों सब्जेक्ट हमारे पास हो चुके हैं, यानी हमने इनपुट करा लिए। अब यहां पर केवल नेम चेंज करना है। यहां पे मैं कर देता हूं केमिस्ट्री, ठीक है। और यहां पर इसके नीचे मैं कर देता हूं फिजिक्स, इसके नीचे मैं कर देता हूं कंप्यूटर, और इसके नीचे मैं कर देता हूं इंग्लिश, ठीक है। तो ये पांचों सब्जेक्ट को हमने इनपुट कराया। अब यहां पर भी सब्जेक्ट के नाम हमें चेंज करने होंगे। यहां पे कर देता हूं केमिस्ट्री, ठीक है, और यहां पे फिजिक्स हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। ये कंप्यूटर कर दिया हमने, और एट लास्ट यहां पे हम कर देंगे इंग्लिश, ठीक है। यहां पे कर दिया हमने इंग्लिश, ओके। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, नीचे आना है, और यहां पर एवरेज नाम का एक वेरिएबल, यानी एबीजी नाम से मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूं, इज इक्वल टू करता हूं एवरेज इज इक्वल टू। अब जो भी सब्जेक्ट हमने लिखे हैं उनको ऐड करवाते हैं, ठीक है। पहले लिखा हमने बायोलॉजी, बायोलॉजी प्लस दूसरा है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री प्लस तीसरा है फिजिक्स, तो फिजिक्स लिखा हमने, प्लस चौथा है वो है कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऐड किया हमने। आप जानते हैं एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं एक्सेल में भी एमएस एक्सेस में भी बहुत बार सिखा चुका हूं, तो ये बात को बहुत ज्यादा डीपली बताने की जरूरत नहीं कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और एट लास्ट इंग्लिश भी यहां मेंशन करेंगे हम, तो इंग्लिश भी लिख लिया हमने। इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, पांच सब्जेक्ट है तो पांच से इसको डिवाइड कर देंगे फाइव से, ठीक है, और ये हमारा काम हो गया। अब यहां पर इफ एल्स की कंडीशन हमें देनी होगी, ठीक है। तो चलिए आइए इफ एल्स की कंडीशन लगाते हैं। तो यहां पे हम एलिफ लगाएंगे, एल्स नहीं लगाएंगे, एल्स तो लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। अभी हम एलिफ चलेंगे, इफ के बाद एलिफ लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक नई चीज है आपको देखने को मिलेगी यहां। तो ए बी जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 करता हूं मैं, जैसा कि मैं अब तक करता आ रहा हूं, तो 85 कर दिया हमने। और अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए, इसको क्लोज किया हमने और यहां पे कोलन लगाया। अब ऐसा अगर होता है तो क्या होगा, यहां पे लिखता हूं मैं प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट हो ग्रेड, और ग्रेड कौन सा है, ग्रेड एस ग्रेड आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ग्रेड आएगा, एस ग्रेड, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एलिफ लगाना है हमें, क्या लगाना है, एलिफ, तो एलिफ लिख दीजिए आप, ये आपके लिए चीज नहीं है एलिफ, ठीक है।
और एवरेज एवीजी एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अब 75 करता हूं मैं कॉमा सॉरी कॉमा नहीं देंगे ये हो गया और अगर ऐसा हो ठीक है तो क्या हो जाए यहां पे फिर कोलन लगा करके और यहां पे फिर प्रिंट देंगे ठीक है अगर ऐसा हो तो ए ग्रेड आ जाए कौन सा ग्रेड आ जाए ए ग्रेड तो यहां लिखता हूं ग्रेड ग्रेड कौन सा होगा ए ग्रेड इसको सही कर लेते हैं स्पेलिंग कोलन लगाया ए ठीक है और यहां से इनवर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया ठीक है तो ए ग्रेड आ गया हमारा अब फिर एलिफ लगाएंगे नीचे ठीक है तो एलिफ लगा लेते हैं यहां से अब एलिफ में फिर वही चीज कि ए बी जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके 65 के अगर ऐसा हो तो कौन सा ग्रेड आ जाएगा इसको पहले क्लोज करते हैं ठीक है अगर ऐसा हो तो यहां मैं फिर लिखता हूं प्रिंट तो ग्रेड आ जाए बी तो यहां बी ग्रेड लिख दिया हमने ठीक है इतना करने के बाद फिर नीचे आएंगे और फिर यहां एलिफ लगाएंगे एलिफ ए बी जी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अभी हमने कहां तक किया है अभी हमने 65 किया अब 55 करते हैं ठीक है 55 तो अभी कौन सा ग्रेड आएगा प्रिंट करवाते हैं यहां पे प्रिंट ग्रेड तो ग्रेड कौन सा आएगा यहां पे लगाता हूं कोलन ग्रेड आएगा सी ठीक है ये कर दिया हमने अब सी ग्रेड तो हमने कर लिया जैसे ही सी ग्रेड करेंगे तो अब डी ग्रेड के लिए एलिफ फिर लगाना होगा हमें तो आइए यहां पे डी ग्रेड के लिए एलिफ लगाते हैं तो लिखता हूं मैं एलिफ ठीक है और यहां पे लिखेंगे हम प्रिंट सॉरी यहां पे कंडीशन वो देंगे फिर से हम एवीजी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 50 ठीक है तो अगर ऐसा हो तो क्या हो तो यहां आ जाए प्रिंट और यहां कर देंगे ग्रेड जी आर ए डी ई ग्रेड कौन सा आ जाएगा यहां ग्रेड आ जाएगा डी ठीक है अब लास्ट में दो कंडीशन हम दे सकते हैं इफ में लेकिन हम इफ के बाद एलिफ लगाते आ रहे हैं तो एलिफ एलिफ इफ के अंदर कई एलिफ हम लिख सकते हैं ठीक है ये बात याद रखिएगा चलिए अब एट लास्ट हम क्या करेंगे यहां पे एल्स देंगे ठीक है लास्ट में हम एक कंडीशन जब बच जाती है तो एल्स देते हैं ठीक है तो ये बात याद रहे आपको ठीक है यहां लिख देंगे प्रिंट इंडेंटेशन का बहुत आपको ध्यान रखना होगा ये जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना होगा नहीं तो इंडेंटेशन का एरर आएगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे तो इंडेंटेशन का विशेष रूप से ख्याल रखें ठीक है पाइथन जब भी आप चला रहे हो तो इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखिएगा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी ठीक है और यहां पे एफ ग्रेड आ जाएगा या फेल भी लिख सकते हैं मैंने एफ लिख दिया है ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको इतनी समझ में आई होगी कि इतना मैंने कैसे किया है अब इसको सेव करने की बारी है मैं इसको सेव कर रहा हूं तो देखिए इसको मैं नाम देता हूं एडवांस डॉट पी वाई एडवांस नाम दिया है मैंने इसे ये ग्रेडिंग का प्रोग्राम है ठीक है तो अब इसको यहां से रन करवाने की बारी है तो यहां से इसे रन करवाया हमने देखिए यहां पे फिर इंडेंटेशन वाली एरर आनी शुरू हो गई है इसको देखते हैं कैसे हम मैनेज करते हैं कैसे सही कर पाते हैं यहां पे देखिए यहां पे कोलन छूट गया है हमारा जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है ठीक है अब इसको सेव कर देंगे तो अब कोई एरर नहीं आएगी यहां से इसको रन करवाते हैं ये देखिए रन हो गया हमारा प्रोग्राम अब बायोलॉजी का मार्क्स ऐड यहां पे लिखते हैं 67 out of 100 है ये ठीक है फिर केमिस्ट्री का 88 फिर फिजिक्स का 99 फिर 55 अदर सब्जेक्ट का यानी कंप्यूटर का और फिर 88 दे दिया हमने इंग्लिश में तो यानी ग्रेड इनका कौन सा आ गया ए आ गया ठीक है अभी इस प्रोग्राम को अगर हम दोबारा से चलाते तो क्या होता चलिए ये एक बार और इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है अभी तो हमने जो जैसे इसको चलाया उस हिसाब से ये चल गया अभी यहाँ पे कम कम मार्क्स देते हैं 33 22 55 ठीक है इस तरह से कोई मार्क्स हम देते जा रहे हैं 33 22 ठीक है अब देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रेड आ गया एफ ग्रेड यानी फेल ग्रेड आ गया इस तरह से एक बार और एट लास्ट हम रन करा लेते हैं और एक बार और इसको चेक करते हैं कि प्रोग्राम हमारा सही से चल रहा है या नहीं अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं 67 68 65 इस तरह से कुछ मार्क्स देता हूँ 64 ठीक है
और 65 ग्रेड आ जाएगा, सॉरी। तो देखिए ये बी ग्रेड आ रहा है, ठीक है। अब इससे कम मार्क्स देंगे तो सी ग्रेड आ जाएगा। तो इस तरीके से करके ये काम करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये ग्रेडिंग वाली वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। इस तरह से करके आप ग्रेड तैयार कर सकते हैं, इसी तरह से करके हम मार्कशीट भी डिजाइन कर सकते हैं। आगे चल करके मार्कशीट बनाना भी सिखाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।